पावली घूम जा रहे पुराने एयरपोर्ट वाली जगह पे ना, वो टैंकर वगैरह उठे यार, जाने क्या हो सकता है। तो सही है, ये ओल्ड एयरपोर्ट रावलपिंडी आग लगी, अल्लाह खैर करे। टैंकर गिरा है, मुझे लग रहा है टैंकर के बहुत हैवी है यार। हाँ ना दादा, बहुत हैवी। हम नहीं निकल सकते यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरी लेन है, ये पूरी लेन गई है सारी, पूरा रोड ब्लॉक है। इससे से यू भी नहीं गिर सकता दादा, हम निकल नहीं सकते यहाँ से। यू टर्न तो यहीं से लेना पड़ेगा नबील। वो पता ही अभी क्या हुआ है, क्या और एक गाड़ी बनी गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा है ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई एक। मैंने भी सोचा मैं कहा नहीं यार, तो बड़ा रिस्क है। नहीं हुआ, ये उल्टा है यहाँ पे, मेरे सामने उल्टा है, तेजी होके उलट गया है, वो तेजी से निकला है। तो भी अच्छी खासी है, अभी अच्छी खासी पुलिस है, फिर भी वो मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं। जा रहे थे यार वापसी, जाते भी यहाँ पे इतना पहाड़ में समा रहा है। अल्लाह वक्कर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं, उम्मीद है सब भाई खरीत आफिये से होंगे। यार ये कल की बात है, 6 तारीख या 7 है, तो पुराना एयरपोर्ट के पास कोई रोड आता है, जा रहे थे तो वहाँ पे है था एक ऑयल कोई टैंकर था, तो वो उलट गया था वहाँ पे, काफ़ी स्पीड में था। अब वल्ला आलम के उसकी ब्रेक फेल हो गई थी या खुदा न खास्ता क्या मामलात थे, तो हो गया वैसे। तो हम तो दूर ही थे काफ़ी, तो ड्राइवर का तो हमें पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या बना, जिस तरह वाकया हुआ तो साथ ही जो सिक्योरिटी थी पुलिस अभाव थे दस्ती वहाँ पे तैनात हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल में उन्होंने 15 से 20 मिनट भी उनके लगे, तो दस्ती वहाँ पे तैनात हो गए। फिर चलता फिरता रोड था, आवाम का भी काफ़ी रश बन गया, तो भाई हमारी आंखों के आगे तो बहुत ऐसा मंजर गुजरा कि हम भी एक दफ़ा देख के डर गए थे, क्योंकि बहुत हमने खौफनाक वो मंजर देखा था। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लोग काफ़ी फिर भी थे जो आगे आगे घुस रहे थे, आगे आगे जा रहे थे, इतने बड़े एक वो वाक़े के बाद और इतनी एक भड़कती आग के बाद। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो कल की बात थी, हमारी नज़रों से गुजरी थी, तो हमने कहा भाइयों की नज़र में भी डाल दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।